किसान साथियों, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से न्यू नर्सरी का तरफ से बोल रहा हूँ। ये जो पौधा आप देख रही है, इसका नाम है थाई ब्लैक जामुन। ये थाईलैंड का जामुन का एक अच्छा वैरायटी है। जो पेड़ आप देख रहा है, इसका उम्र 2 साल है। 2 साल का पेड़ में कितना अच्छा जामुन पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका वीडियो में इतना छोटा सा पेड़ में कितना भारी मात्रा पे फल पकड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। इतना छोटा सा पेड़ में अगर इतना ज़्यादा फल पकड़ा हो तो आप सोचिए जामुन का बड़ा पेड़ में कितना फल पकड़ेगा। जामुन का कमर्शियल फार्मिंग के लिए थाई ब्लैक जामुन से ज़्यादा किसान का पसंदीदा वैरायटी है। खाली इंडिया नहीं, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिण एशिया और भी बहुत सारा देश का किसान थाईलैंड का जामुन का ये वैरायटी पसंद करता है। ये जामुन साल में एक ही बार फल आता है। फल आने से पहले जो फूल होता है, इसमें अप्रैल महीने में फूल आती है और जुलाई महीने में फल मार्केटिंग के लिए हार्वेस्टिंग होता है। ये जामुन पहले ग्रीन कलर का रहता है और पकने के पहले इसका कलर रेड हो जाता है। जब फल पकता है तब तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है, इसीलिए इसका ब्लैक जामुन कहता है। इसका सभी फल एक ही साथ में नहीं पकते, आप देख सकते हैं। इसमें छोटा फल भी है, मीडियम फल भी है, पूरा पका हुआ फल भी है। मैं हाथ लगा के अभी जो दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए सभी कलर का फल है। आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसका पौधा आपको चाहिए तो हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो का स्क्रीन में भी दिख रहा है, वह से कांटेक्ट करके आप भी पौधा मंगा सकते हैं। हम ऑल इंडिया का हर जगह में पौधा डिलीवरी करते हैं बाय ट्रेन से। मिनिमम आपको 100 पौधा लेना होगा। पौधा चाहिए हो तो कांटेक्ट करिए। ये थाई जामुन का ओरिजिनल पौधा हम ग्राफ्टिंग का मदद से बनाते हैं। ये जामुन बहुत ही मीठा होता है और ये जामुन का अंदर का जो गुठली है वो बहुत ही छोटा होता है। तो किसान साथियों, ये जामुन का खेती आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।